तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग बात करने वाले उत्तराखंड में जो है सब इंस्पेक्टर के लिए 222 पोस्टों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। हम लोग ये जानेंगे जो उत्तराखंड में जो सब इंस्पेक्टर के लिए 222 पोस्टों की वैकेंसी आई है, क्या ये वैकेंसी सही है या नहीं है। अगर ये वैकेंसी सही है तो इसका क्या एज लिमिट रखा गया, क्या फी रखा गया, क्या क्वालिफिकेशन रखा गया और आपको फॉर्म भरने का अप्लाई का लिंक कहाँ से मिलेगा, हम लोग ये जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलते सबसे पहले स्क्रीन पर और इसे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के तहत जो है सब इंस्पेक्टर के लिए जो वैकेंसी आ चुकी है। जो मैं आपको बता रहा हूँ सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात ये होता है कि सबसे पहले जो हम आपको बता रहे हैं क्या ये वैकेंसी सही है या नहीं है। सबसे पहला पॉइंट क्या ये वैकेंसी जो हम आपको बता रहे थे कि सब इंस्पेक्टर के लिए जो वैकेंसी है 222 पोस्टों के लिए क्या ये वैकेंसी सही है या नहीं, इसे आप किस तरह देख सकते हैं। हम चाहे तो आपको डायरेक्ट समझा सकते हैं लेकिन इस सब चीज़ों से बचने के लिए आपको सबसे पहले हम क्या करते हैं क्रोम ब्राउज़र पर लेके चलते हैं, स्टार्टिंग से दिखाते हैं ताकि आप किस तरह खुद से अपने फ़ोन या लैपटॉप में देख सकते हैं। या ताकि सबसे पहले आपको क्या करना है UKPSC लिख के सर्च करना है अपने क्रोम ब्राउज़र या गूगल में आके सबसे पहले सर्च बॉक्स में UKPSC लिख के सर्च करना है। जैसे सर्च करना है फर्स्ट ऑप्शन दिखेगा UKPSC यानी कि उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का ये ऑफिशियल वेबसाइट आ चुका है। यहाँ से सबसे पहले कट कर लेंगे। जैसे कट कर लेंगे सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं उत्तराखंड का जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले देख सकते हैं मेंशन करा है यहाँ पे रिक्वायरमेंट नोटिस, इस पर क्लिक करके आपको ओपन हो जाना। जैसे इस पर क्लिक करके ओपन हो जाएंगे आपको यहाँ पे थर्ड नंबर ऑप्शन दिख रहा है सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस नोटिफिकेशन स्टार्टिंग डेट लास्ट डेट, क्लिक हेयर का ऑप्शन दिख रहा है। इस क्लिक हेयर के ऑप्शन पे आपको क्लिक करके ओपन हो जाना। जैसे इस पर क्लिक करके ओपन हो जाएंगे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन अंडर द होम डिपार्टमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर का जो लिंक दे दिया गया इसका स्टार्टिंग डेट बात किया जाए 31 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। फॉर्म भरने का लास्ट डेट 20 फरवरी तक फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। अप्लाई के सामने क्लिक हेयर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आपको ओपन हो जाना। जैसे इस पर क्लिक करके ओपन हो जाते हैं आप सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखाते हैं टोटल पोस्ट, यहाँ टोटल पोस्ट नंबर जो है 222 है। सबसे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूँ कि जो मैंने नोटिफिकेशन आपको दिखाया था वो नोटिफिकेशन सही था या नहीं है। तो जैसे जैसे डाउनलोड करके ओपन हो जाएंगे आपको हम नोटिफिकेशन सबसे पहले दिखाते हैं। देख सकते हैं जो नोटिफिकेशन हम अभी यहाँ पे ओपन किए थे वही नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है। इसका मतलब यह होता है कि वैकेंसी जो आपको बता रहे हैं वो वैकेंसी एकदम से सही है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन यानी मैं आपको बता दूं और कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन का लिंक और अप्लाई का लिंक दोनों का लिंक दिया रहता है ताकि आपको इतना सर्च करने की जरूरत है नहीं। आपको अगर नोटिफिकेशन देखना है डायरेक्ट नोटिफिकेशन के लिंक पे आकर नोटिफिकेशन दे सकते हैं, अगर अप्लाई करना है डायरेक्ट आप अप्लाई के लिंक पे आके अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात रही अब हम लोग इंपॉर्टेंट सब कुछ देखते हैं। सबसे पहले उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी है और इसका स्टार्टिंग डेट बात किया जाए 31 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। फॉर्म भरने का लास्ट डेट 20 फरवरी तक फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। और आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जो भी स्टेप चीज होता है आपको सब कुछ बताने वाले हैं, बस वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और देखते रहेंगे। सबसे पहला जो रिक्तियों का विवरण बात किया है, गृह विभाग के अंतर्गत उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अभिसूचना अग्निशामक द्वितीय अधिकारी गुलाम शाह पुरुष IRB पद के रिक्तियों की कुल संख्या की बात किया जाए इसमें 222 पोस्टों की वैकेंसी। कितना पोस्ट है? 222 पोस्टों की वैकेंसी है। पहला पद का नाम बात किया जाए उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अभिसूचना में कुल पदों की बात किया जाए 108 पोस्टों की वैकेंसी है। उप निरीक्षक में जैसे टोटल पोस्ट कैटेगरी बाय कैटेगरी दे दिया गया है, आपको हम बता दिए हैं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया रहेगा। अगर आपको जिस समय फॉर्म अप्लाई करना है किस कैटेगरी पर अप्लाई करना है अपने कैटेगरी के हिसाब से देख लेंगे। हम आपको इतना कैटेगरी बाय कैटेगरी नहीं बता सकते, बस आपको पोस्ट बाय पोस्ट बता सकते हैं कि उप निरीक्षक नागरिक में जो है कुल 108 पोस्टों की वैकेंसी आपको हम बताए थे। उप निरीक्षक अधिसूचना के मिला के जो है 108 पोस्टों की वैकेंसी है। अगर इस पोस्ट के अगर अप्लाई करते हैं जैसे उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अभिसूचना को अप्लाई करते हैं इस पद का नाम रहेगा जिसमें आपको 108 पोस्टों की वैकेंसी है 65+43 और इसमें वेतन की बात किया जाए तो 44,000 से लेके 1,42,000 आपका वेतन रहने वाला है। लेवल 9 के आधार पर आपका वेतन मिलने वाला है। पद का स्वरूप बात किया जाए अरापरिजित या स्थायी रहने वाला है और पेंशन योजना जो है असंदायी पेंशन युक्त हो रहने वाला है। आयु की बात किया जाए इस फॉर्म के लिए 21 साल से लेकर जो 28 साल तक के लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे। शैक्षणिक योग्यता की बात किया जाए तो विश्वविद्यालय से स्नातक पास होना चाहिए यानी कि ग्रेजुएशन पास होना चाहिए तो ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अधिमानी अर्हता की बात किया जाए तो जैसे प्रदेश सेना की कम से कम 2 वर्ष का सेवा की हो या राष्ट्र कैंडिडेट का भी प्रमाण पत्र का प्राप्त किया हुआ नहीं यानी कि आपको छूट चाहिए एक्स सर्विसमैन में तो ये आपको चाहिए। अगला पोस्ट है यहाँ दस मैं सीधी भर्ती है तो शारीरिक माप की परीक्षा की बात किया जाए देख सकते हैं आरक्षित वर्ग अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग अर्थात सबसे कमजोर वर्ग वालों को पुरुष वाले 167 सेंटीमीटर चाहिए और महिला को जो है 152 सेंटीमीटर चाहिए
न्यूनतम सीमा है। अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी हेतु के लिए 160 सेंटीमीटर और महिला के लिए 145 सेंटीमीटर और पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थी अगर लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं तो 162 से सेंटीमीटर से लेके 147 सेंटीमीटर आपका चाहिए पुरुष महिला में। और सीने की माप की बात किया जाए तो आर्थिक रूप से अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वाले 78 सेंटीमीटर फुलाने के बाद जो है 83.8 सेंटीमीटर चाहिए और पर्वतीय क्षेत्र अनुसूचित जाति जनजाति वर्ती वालों को 76.5 सेंटीमीटर बिना फुला हुआ फुलाने के बाद जो है 81.5 सेंटीमीटर और सीने में न्यूनतम जो है 5 सेंटीमीटर फुला चाहिए, यानी कि जितना बिना फुला और फुला में आपका अंतर कितना होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का आपका अंतर चाहिए। और शारीरिक वजन की बात किया जाए तो 45 किलोग्राम केवल महिला के अभ्यर्थी हेतु है। जो महिला लोग अप्लाई करते हैं तो उनका वजन कितना होना चाहिए 45 किलो होना चाहिए। और आगे देख लेते हैं खेलकूद की बात किया जाए तो देखते हैं कि क्रिकेट बॉल थ्रो में 50 मीटर अहकारी मार्क में जो 20 मीटर सारा दे दिया गया आप देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और इसमें जो है क्या क्या है अब देख लेते हैं। पद का नाम जो आपको हम अगला बताए थे गुमनायक पुरुष CSC IRB फुल पदों की बात किया जाए इसमें 89 पोस्टों की वैकेंसी है। और आगे इस फॉर्म का अगर अप्लाई करते हैं इसमें जो आपका योग्यता की बात किया जाए ये भी आपका योग्यता ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। इसमें कुल 89 पोस्टों की वैकेंसी है। इसका वेतन की बात किया जाए 44,000 से लेकर 142,000 लेवल 7 के आधार पर मिलने वाला है। और इसका एज लिमिट की बात किया जाए 21 साल से लेकर 28 साल तक फॉर्म अप्लाई करेंगे। अधिकतम आयुता सारा चीज़ में दे दिया, इसमें सीना उना जितना होता है सारा इसमें भी दे दिया गया, आप खुद से भी एक बार देख सकते हैं। अगला पोस्ट का बात किया जाए अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पुरुष महिला कुल पदों की बात किया जाए 25 पोस्टों की वैकेंसी है। देख सकते हैं कुल 25 पोस्टों की वैकेंसी है। इसमें वेतन की बात किया जाए 44,000 से लेकर 142,000 लेवल 7 के दर पेमेंट मिलने वाला है। इसका एज लिमिट की बात किया जाए 21 साल से लेकर 28 साल तक फॉर्म अप्लाई करेंगे और ग्रेजुएशन पास लोग ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसका भी हाइट वगैरह सारा चीज़ यहाँ देख सकते हैं सेम रहा है और यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये सब जाने के बाद और देख लेते हैं आपके लिए क्या क्या जानकारी। आयु में छूट आपको हम बताए थे जिस कैटेगरी में जितना भी छूट मिलता है आपको भी इस फोन में छूट मिलने वाला है। अब इस फोन को देख लेते हैं, फोन जो है सबसे पहले ये देख लेते हैं फोन भरने का क्या फी क्या लगने वाला है। तो सबसे पहले आपको फी जानने के लिए पेज नंबर 16 पे आना है, पेज नंबर 16 पे आ जाएंगे। सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट बात बताते हैं इस फॉर्म को भरने में कोई पेमेंट फी लगने वाला नहीं है। परीक्षा शुल्क दे सकते हैं, मेंशन किया जा रहा है कि इस फॉर्म में जो पेमेंट फी आपका कुछ नहीं लगने वाला है। कोई भी कैटेगरी से आप हैं आपका पेमेंट फी कितना लगने वाला है, जीरो लगने वाला है। अब ये सब जानने के बाद सर फॉर्म किस तरह अप्लाई करेंगे, अप्लाई करेंगे सबसे पहले आपको जो है होम ब्राउजर पे यानी क्रोम ब्राउजर पे आ जाना है। जैसे क्रोम ब्राउजर पे आ जाएंगे आपको हम स्टार्टिंग डेट बता दिए 31 जनवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। फॉर्म भरने का लास्ट डेट 20 फरवरी तक फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। अब अप्लाई करने में सबसे नीचे आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे देख सकते हैं मेंशन कर पहला स्टेप आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा जिसमें आपको पर्सनल डिटेल्स मेंशन करना होगा। दूसरा स्टेप में एजुकेशनल और अदर डिटेल्स मेंशन करना है। तीसरा स्टेप में अपलोड फोटो सिग्नेचर करना है और चौथा स्टेप में फाइनल सबमिट होने के बाद पाँचवा स्टेप में आपका प्रिंट हो जाएगा। अब सबसे नीचे करेंगे अप्लाई करने के लिए, यहाँ देख सकते हैं अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे अप्लाई जैसे करेंगे आपका लोडिंग हो रहा है तो नेक्स्ट पेज आपका यहाँ पे ओपन होने लगेगा। जैसे नेक्स्ट पेज ओपन होता है मैं आपको अप्लाई करने का प्रोसेस बताता हूँ किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप मेंशन कर रहा है कि आप पहला जो उपनिरीक्षा आवेदन किया था क्या आप अपने UKSPC द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या इतना का जो है आवेदन किया था, यस या नो कर देंगे। उसके बाद मेंशन कर रहा है क्या आपने होमगार्ड पद 3 वर्ष का नियमित पुरुष रूप अगर पहले से जॉब है तो यस या नो करेंगे। उसके बाद कैंडिडेट का नाम डालना है, फादर्स नेम डालना है, आपका एज कितना है, डेट ऑफ बर्थ, मदर्स नेम, लिंक क्या है, मैरिड स्टेटस आपका क्या है, नेशनल क्या है। उसके बाद यहाँ देखते हैं यस या नो पे सारा चीज़ जवाब दे देना है। जवाब देने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे करना है, कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालना है, फिर एड्रेस आपका क्या है एड्रेस डालना है। एड्रेस डालने के बाद परमानेंट अगर एड्रेस जो सेम है इस पर क्लिक कर लेंगे और कन्फर्म पासवर्ड डालने के बाद जो कैप्चर कोड है कैप्चर कोड डालने के बाद हम सबमिट करेंगे, आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि उत्तराखंड के उत्तराखंड में जो है सब इंस्पेक्टर के लिए 222 पोस्टों की वैकेंसी आ चुकी थी और इसे किस तरह अप्लाई करना है मैं आपको अप्लाई प्रोसेस बता दिया। एज लिमिट क्या है, फी क्या है, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सभी जानकारी दे दिया। अगर आपको लग रहा है कि मैंने आपको सही जानकारी दिया तो उसके बाद वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं।
मेरा काम है आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देना। अगर मेरे पास किसी स्टूडेंट का फॉर्म नहीं रहता है फिलअप करके बताऊँ, मेरा काम है सिर्फ आप लोगों तक जानकारी पहुँचाना। अगर आपको फिर भी फॉर्म भरने में परेशानी होता है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक के माध्यम से कॉन्टैक्ट कर हेल्प ले सकते हैं, मैं आपको वहाँ पूरा हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और हो सकता है इस वीडियो को अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कुछ लोगों को पता नहीं चल पाता है कम पोस्टिंग वैकेंसी है। अगर इस वीडियो के माध्यम से कोई लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं वीडियो सक्सेसफुल हो पाएगा। और हो सकता है इस वीडियो को अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि इससे यह होगा कि कुछ लोगों को पता नहीं चल पाएगा, इस वीडियो के माध्यम से वो फॉर्म अप्लाई करेंगे वीडियो सक्सेसफुल हो पाएगा। और लेटेस्ट अपडेट लेटेस्ट वैकेंसी के लिए मेरे चैनल बने रहें, मेरे चैनल सब्सक्राइब रखें। मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ किसी और वैकेंसी के साथ। धन्यवाद।